छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण की सूची जारी की गई है, जिसमें जिले के 3 प्रतिभागियों का चयन हुआ है। इसमें खेल, कृषि और शौर्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले शामिल हैं। पालीगुड़ा की रहने वाली अदिति कश्यप को वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अदिति कश्यप एक गृहिणी और किसान नेत्री है। उन्हें कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड 2020 में कृषि कर्मठ अवार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से मिला है। इसके अलावा भी राज्य स्तर पर कई सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार के लिए चयनित होने पर उन्होंने सरकार और साथ ही साथ अपने परिवार और समाज के प्रति आभार व्यक्त किया। राज्योत्सव 2024 में सम्मानित अवार्ड पाने वाले हितग्राहियों की सूची सरकार ने जारी कर दी है। कबीरधाम जिले से 3 प्रतिभागियों का चयन इसमें हुआ है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। वहीं बता दें कि खेल के क्षेत्र में छोटी मेहरा है, वहीं कृषि के क्षेत्र में शिवपाल चंद्रवंशी और साथ साथ रानी अवंतीबाई लोधी अवार्ड से सम्मानित होंगी श्रीमती अदिति कश्यप जी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, आपको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, क्या कैसा लग रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जय अवंती, जय लोधेश्वर। ये अवार्ड का जैसे ही घोषणा किए तो काफी अच्छा लगा, और इसके पहले भी प्रधानमंत्री अवार्ड से मैं सम्मानित हुई हूँ। और कल मेरा ये सपना था कि कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति से रिलेटेड मेरे को एक और अवार्ड मिलना चाहिए करके, पर ये मेरा सपना पूरा हो गया। कल मैं उपराष्ट्रपति जी से ये रानी अवंतीबाई लोधी स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होंगी। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले आप महिला हैं, तो इस मुकाम तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा, किस तरह के आपने कार्य किए हैं? जी जी जी, ये जो अवार्ड जिसके नाम से मेरे को अवार्ड मिलना है वो रानी अवंतीबाई लोधी प्रथम महिला क्रांतिकारी शहीद वीरांगना थी। वो खुद प्रथम थी और ये अवार्ड को लेने वाली भी मैं प्रथम महिला हूँ। अब तक के ये अवार्ड किसी को नहीं मिला है। 2022 में इसका घोषणा जरूर किए थे पर अभी तक दे नहीं पाए हैं, और ये अवार्ड जो है अभी फर्स्ट टाइम 2025 में दिया जा रहा है, और ये अवार्ड को लेने वाली मैं प्रथम ही होंगी, तो ये मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। प्रथम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।